So hydrolysis of salt of strong base and weak acid. जैसे इसका एग्जांपल है आपका सोडियम एसिटेट, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर डालेंगे तो इसमें आपका बनेगा CH3COH प्लस NO। तो इसको आप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वीक है और ये स्ट्रॉन्ग। जो वीक है उनको आप आयनिक इक्वेशंस में तोड़ लेंगे और वीक को और स्ट्रॉन्ग जो है वो टूट जाएंगे, वीक आपके नहीं। Na से आपका Na आयन कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस पे आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो आपका K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आपका ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना हाइड्रोलिसिस और होगा। तो यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम के अलावा आपके और इक्विलिब्रियम भी होंगे, जैसे आपका एक तो वाटर आयनाइज हो रहा होगा एच पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, यानी KW इज इक्वल टू आपका HIn into OHn। तीसरा आपका वीक एसिड का भी इक्विलिब्रियम होगा, H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, इसका आपका Ka क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको आप टू मान लीजिए और इसको आप थ्री मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि भाई इन तीनों इक्वेशंस में क्या करें कि आपका वन आ जाए। वन लाने के लिए हम यदि इसको मल्टीप्लाई करें आपका फर्स्ट इनटू थर्ड डिवाइड बाय टू वन आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए यहाँ पर कि भाई सी एस थ्री सी ओ एच इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय आपका एच पॉजिटिव सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव ओवर सी एस थ्री सी ओ एच। ठीक है, और आपने जो इसकी भी डिवाइड कर दी सेकेंड की एच आई एन ओ एच आई सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आपका आगे बन, यानी कि आपके पास क्या रिलेशनशिप आ गई कि जो है के एच इंटू के ए डिवाइड बाय के डब्ल्यू इजिकल्स टू वन, यानी कि फार्मूला बन गया के एच इजिकल्स टू के डब्ल्यू ओवर थ्री। तो ये आपका जो है फार्मूला के एच का तैयार। So now we will discuss about the degree of hydrolysis. ठीक है, ये आपकी बिल्कुल अल्फा की तरह ही होती है, सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा।
अल्फा में क्या होता है कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोसिएट होते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर क्या होता है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्ट के हाइड्रोलाइज्ड डिवाइड बाय टोटल मोल्स, या इसको भी हम परसेंटेज में बता देते हैं 100 को मल्टीप्लाई करके, तो दोनों तरफ बिल्कुल पैरेलल सी होती है। यहां पर भी क्या है एच जीरो, यहां भी एच जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे आपका वही इक्विलिब्रियम था ये, ठीक है, तो जितनी आपकी सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन होगी। मान लो इसकी सी है तो इसकी भी सी ही होनी थी, और टी बराबर जीरो पर इसको जीरो मान लें, इसको जीरो मान लें। ये आपका एटिक किलोग्राम है, सी वन माइनस एच, दिस इज सी एच, दिस इज सी एच, और इनका के एच इज इक्वल टू ये था, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो आपका क्या रहेगा कि एच इज इक्वल टू सी इनटू सी एच इनटू सी एच ओवर सी इनटू 1 माइनस एच। तो आपका जो है सी से सी कैंसिल, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। यदि आपकी वाली कंडीशन है कि 1 माइनस एच इज लेस देन जो एच है सॉरी लेस देन 1 है, 1 माइनस एच को आप 1 रख सकते हैं, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एच ओवर सी का स्क्वायर रूट, और के एच की वैल्यू रख दे हम यहाँ पर तो आपका एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डब्ल्यू ओवर के इंटू ये आपका सॉरी ये आपका एच का फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो हमने सॉल्ट की कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे को पीएच जो है सॉल्यूशन की वो कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको सॉल्यूशन में पीएच कैलकुलेट करनी है, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको एच आई एस की वैल्यू चाहिए, तो एच आई एस की वैल्यू जो है आपको एच आई एस से मिल जाएगी, तो एच आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी के डब्ल्यू ओवर ओ एच आई एस, ठीक है। तो के डब्ल्यू ओवर एच आई एस कितने आपके सी एच, और एच की वैल्यू आप जानती है क्या है, तो के डब्ल्यू इंटू सी और इंटू के डब्ल्यू और यहाँ पर आ जाएगा आपका के इंटू सी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, ये के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाय सी का स्क्वायर रूट, या आपके एच आई एन कंसेंट्रेशन हो जाएगी। अब आपको पी एच निकालनी है तो इसका माइनस का लॉग ले लें, पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए ओवर सी की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपका जो है 1/2 बाहर जाएगा, और ये आपका बन जाएगा माइनस जो है इनटू माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक। और उसके बाद जो आपने इसको कर दिया प्लस माइनस लॉग के ए, ठीक है। और
प्लस लॉग सी। तो अब ये जो है के डब्ल्यू वैल्यू आप जानते हैं 10^-14 होती है, तो माइनस का लॉग लेंगे 40, तो ये 14 में 2 करेंगे 7 आ जाएगा आपका, प्लस आप ये क्या हो जाएगा आपका पी के प्लस लॉग सी। ये आपका सॉल्यूशन की पीएच निकालने के लिए आपका फॉर्मूला। और चाहे आप इसमें भी रख के आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच। तो इस तरीके से आप किसी भी जो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, उसकी पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको भी हम ये मान के चले हैं कि आपका जो बेस है वो भी मोनो, आपका जो है मोनो एसिडिक बेस है, और एसिड भी आपका जो है मोनो बेसिक एसिड है। यानी एसिड भी ऐसा है जो आपका एक प्रोटॉन देगा, बेस भी ऐसा है जो आपका केवल एक ही OH है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वीक एसिड ऑफ HX हैज द डिसोसिएशन कांस्टेंट 1:10^-5। इट फॉर्म्स अ सॉल्ट ऑफ NaX ऑन द रिएक्शन विद एल्कली, द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaX। तो आपका जो ये NaX है सॉल्ट, दैट इज द स्ट्रांग बेस ऑफ वीक एसिड का सॉल्ट है, और इसमें जब आप वाटर डालते हैं तो आपका NaOH प्लस HX बनता है। तो इसके लिए आपने डेरिवेशन करा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KW ओवर K इनटू C। KW वैल्यू के 10^-14, K हमने आपको दे रखा है 1:10^-5, C जो है 0.1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1 और ये 0.6 10^-8, यानी 10^-4। अब इसे परसेंटेज एच में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 10^-2 यानी 0.01, यानी कि आपका 0.01%, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी इज द। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.015 एक्वस NaCN सॉल्यूशन पीकेबी ऑफ साइनाइड इज 4.7। तो आपको पीएच निकालनी है 0.5 मोलर एक्वस NaCN, और इसका आपको पीकेबी दे रखा है ऑफ साइनाइड इज 4.7। पीकेबी मतलब इसको यानी कि हमने बेस की तरीके से ट्रीट करा, तो ये लेकिन आप सॉल्ट देखें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH बनेगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, और इसका भी एसिड बनेगा वीक एसिड HCN, ठीक है। तो इनकी पीएच के लिए आपका फार्मूला ये होता है 7+ 1/2 आपका पीके ए प्लस लॉग सी। तो अब आपको तो के भी पता है, पीके पता ही है, तो पीके प्लस पीके भी आप जानते हो 14 होता है, पीके आ जाएगा आपका 40-4.7 0 आ गया आपका यहाँ पर, और ये कितना आया आपका सॉरी 0.3, और ये आ जाएगा आपका 9। तो पीएच इज इक्वल टू 7+ 1/2 पीके रख दिया आपने 9.3 प्लस हाफ लॉग सी, लॉग सी कितना है 0.5 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.5। सो आपका क्वेश्चन है, 0.1 मोलर NaOH इज ट्राइट्रेटेड विद 0.1 मोलर HH इन द एंड पॉइंट, K ऑफ और HA इज 5.6 10^-6
and degree of hydrolysis is less compared to 1. Calculate the pH of the resulting solution at the end point. यानी कि आपके NaOH है 0.1 मोलर है प्लस HX है, ये भी आपका 0.1 मोलर है, तो NaX प्लस H2 बना देंगे, ठीक है। और आपका इसका जो है आपका NaX का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो NaX ही होगा, मतलब बफर वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log Ca, ठीक। तो लेकिन अब यहाँ पर NaX की कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो भाई यदि आप इसका V वॉल्यूम लेते हैं, इसका भी V वॉल्यूम टाइट्रेशन में यूज करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम V / 2 हो जाएगा, तो NaX की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपका 0.1 / 2 = 0.05, ठीक है। तो जो है आपका ये इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 2 भी आपका मानना पड़ेगा नंबर, ठीक। तो अब जो है आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो आपका ये वैल्यू जो है 7 प्लस हाफ और लॉग जो है माइनस लॉग और 5.6 इंटू 10^-6 और प्लस लॉग 0.05, ठीक है। तो इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी योर आंसर अराउंड 9 के आपके आगे, तो 9 इज द पीएच या